छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले दिनों एक बड़ा भूचाल इस बात से आया था कि नंदकुमार साय ने ये घोषणा कर दी है कि वो बीजेपी की सरकार नहीं आती तब तक बाल नहीं कटाएंगे, लेकिन वही नंदकुमार साय अब बीजेपी से परेशान हो गए हैं, बीजेपी की रीति नीति से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का रुख किया। हमारे साथ नंदकुमार साय जी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। साय जी, हमने ये जब बयान सुना था आपके नाम से, कई लोगों ने ये बात कही कि आप बाल नहीं कटाएंगे, तो एक ये बात आई थी कि जुदेव की तरह कोई एक और नेता आदिवासी सामने आया है जो कि अपने बाल दांव में लगा रहा है, लेकिन अब आप पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसी क्या वजह हो गई और ये बाल वाला राज भी बताइए। वो बाल वाला मैंने कुछ कहा नहीं था, दूसरे लोग किए थे और मैंने उस समय उठ करके, वो सभा था, दूसरा आदमी कह रहा है कि ऐसा जब तक नहीं होगा ऐसा बाल नहीं कटाएंगे ऐसा वैसा, मैं उठ करके बोला था ऐसा करके, मना किया था। हाँ हाँ, तो इसलिए वो मेरी बात नहीं थी। और कोई दांव लगाना है तो अपनी बात लगाए ना, दूसरे को कैसे लगाना है, वो मेरी बात नहीं थी। लेकिन आने वाले समय में पार्टी, जिस पार्टी में भी हम हैं उसके कार्यकर्ता सक्रिय हों और आगे बढ़ें, जिससे कि सरकार बनाने की स्थिति के लिए जनता को बनाया जा सके, जनता फेवर में आ सके, ऐसी कोशिश होती रहेगी। ये क्या वजह हो गई? एक तो आप बढ़िया पार्टी में थे, एक बड़े पदों में थे, आपकी जैसे पदों में आज तक कोई रहा भी नहीं है, इतने बार विधायक, इतने बार सांसद, राज्यसभा, पार्टी से नाराजगी की वजह क्या? हम कुछ पार्टी में जो कमियां हैं उसको लेकर के काफी चिंतित थे और हम कोशिश भी करते रहे कि ऊपर में भी बात हो और उस बात को हम पहुंचा दें, लेकिन नीचे भी संपर्क नहीं होता था, चर्चाएं नहीं होती थी। हम तो केवल मेंबर रह गए, कोर ग्रुप में नहीं, चुनाव समिति नहीं, वित्त समिति में भी नहीं, ऊपर में भी मैंने मैसेज किया और वहां भी कोशिश की, वहां गया, उनका सूचना आया, लेकिन कहीं चर्चा नहीं हो पाई। और फिलहाल मुझको लगा कि शायद मुझे माना जाता होगा कि अब बहुत हो गया, बहुत समय रह गए, पार्टी ने हमको बहुत भी दिया था, बहुत जगह हम रहे, लड़े भी बहुत पार्टी के लिए, और इस कारण से कहीं संपर्क नहीं हो पाया, मुझे निराशा हुई और हमने ये निर्णय। एक तो होगा जिम्मेदार इसके लिए, किसको जिम्मेदार मानते हैं जो आपकी उपेक्षा करते रहे? अब संगठन में जो भी यहाँ पर प्रमुख हैं, जिम्मेदारी तो उन्हीं की मानी जाएगी, नाम आम क्या लेंगे, आप सबको पता है। आप केंद्रीय स्तर के नेताओं से संपर्क में थे, क्या उन लोग ने भी आपकी बात नहीं सुनी? ओम माथुर यहाँ मौजूद थे। मैं बहुत बार यहाँ, कई बैठकें होती रही, आप लोग गए होंगे, कर मुझे कभी देखे क्या? इससे अंदाज लगा लीजिए कि हम कहां पर थे, पार्टी कैसी थी। केंद्र में भी मैंने कई बार मैसेज किया कि हम मिलना चाहते हैं प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं से, वहां से मैसेज तो आता था, मिली है और हम लगा रहे हैं, वो मिलेंगे। एक साल तक ये प्रयत्न किया लेकिन कहीं संपर्क नहीं हो पाया। कोई अब कांग्रेस में क्या भूमिका देखते हैं? कांग्रेस में आप आ गए हैं, अपनी क्या नई भूमिका देख पाए? अब तो हम यहाँ आए हैं, देखेंगे कैसी क्या तय होती, क्या भूमिका होगी। हमारी जरूर कोशिश होगी कि वो ज्यादा सक्रिय हो, लोगों के संपर्क में जाए, नीचे तक जाए, सब समाज में जाए और उसको मजबूत करे, ये हमारी कोशिश होगी। भूमिका क्या होगी तो ये दल में तो मैं अभी आया हूँ, दल मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी को कैसे देखेंगे? मुख्यमंत्री जी काम तो कर रहे हैं, सरकार बन गई है, मैंने तभी बताया था कि भाई वो राम वनगमन पथ पर कुछ काम करेंगे बोल रहे हैं, फिर वो जो गोठान बनाने का काम गौओं को लेकर के काफी अच्छा है, गोबर खरीदने की बात हो रही है, मूत्र भी खरीदेंगे कह रहे हैं, ये कुछ बातें हैं जो ये है, और खेतों खलिहान और बाकी गोबर खाद घूर से बनाने का ये सब अच्छा है अगर जमीन पर ठीक से उतर पाए तो। अब आप बाल कटाएंगे कि नहीं ये मानेंगे? अब देख, बाल तो हम कटाते नहीं हैं, बहुत दिनों से आपने देखा होगा, हम कटाते नहीं है, ऐसे ही रहता है बाल, ऐसे ही रहता है। हाँ जी जी, पर दांव में नहीं लगा है ये मान के? ना ना, वो मैंने कोई बात नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। तो ये थे नंदकुमार साय, अपने ही अंदाज में इस बात की उन्होंने स्वीकृति दी है कि उनके नाम पर जरूर उनके बालों को दांव पे बीजेपी के नेताओं ने लगाया था, लेकिन उसके लिए वो सहमत नहीं थे। फिलहाल वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं, कांग्रेस में नई भूमिका की उन्हें तलाश है। कैमरामैन शिवा के साथ मोहन तिवारी, TV24 रायपुर।